नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अननोन रियलिटी पे स्वागत है और मैं हूँ रियलिटी वाला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एरोप्लेन्स व्हाइट इन कलर क्यों होते हैं। अगर आपने अपने स्कूल में बेसिक थर्मल साइंस पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा कि जो व्हाइट कलर होता है कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जो एरोप्लेन्स होते हैं व्हाइट इन कलर होते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडा रहते हैं। अगर हमने एरोप्लेन को किसी अन्य कलर से पेंट कर दिया तो जो हमारा एरोप्लेन रहेगा ये गर्म रहेगा और उस गर्मी को मेंटेन करने के लिए हमें अलग से फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। इसलिए जो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर कंपनीज होती हैं अपने एरोप्लेन को व्हाइट इन कलर में रखना ज़्यादा प्रीफर करती हैं। दोस्तों, जो व्हाइट कलर है ये सबसे चीप कलर होता है और ये बाकी कलर के ऐसे बाद में फीका नहीं होता, जिससे एरोप्लेन कंपनीज को इसके मेंटेनेंस पर बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए जो एरोप्लेन कंपनीज होती है अपने एरोप्लेन को व्हाइट कलर से ही पेंट करना ज़्यादा प्रीफर करती हैं। एरोप्लेन का किसी बर्ड से टकरा जाना है किसी भी एयरलाइन कंपनी और पायलट के लिए सबसे बड़ा डर होता है। हालिया रिसर्च में यह सामने आया कि जो व्हाइट एरोप्लेन और बर्ड के बीच स्ट्राइक रेट सबसे कम होता है, इसलिए एरोप्लेन कंपनीज अपने एयरप्लेन को व्हाइट कलर से ही पेंट करना ज़्यादा प्रीफर करती हैं, जिससे बर्ड से बचा जा सके। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, जो हवाई जहाज़ के खरीदार होते हैं सफ़ेद जहाज़ खरीदना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वह उसे खरीदने के बाद अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और कमेंट सेक्शन पर आप हमें लिखकर बताइए कि आपको फ्यूचर में कैसे वीडियोस चाहिए।